दोस्तों, जिंदगी में कई बार अनचाहे दर्द भी मिल जाते हैं। उस लड़की की मुस्कान सबका मन मोह लेती थी। एक दिन वह अपना जन्मदिन मना रही थी। चेहरे से साफ यह पता लग रहा था कि वह कितना ज़्यादा खुश है। जब उसका जन्मदिन आता है तो परिवार के लोग घर में ही जन्मदिन मनाने का निर्णय लेते हैं। उसके परिवार ने उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके चॉकलेट वाला केक भी मंगवाया था। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, मनपसंद केक के साथ मानवी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि यह खुशियाँ अचानक अंधेरे में बदल जाएंगी और मानवी अपना अगला जन्मदिन मनाने के लिए जिंदा नहीं होगी। मानवी की कहानी एक ऐसे अनजाने सपने की है जो उसके परिवार को हंसाने के बजाय रुलाकर चला गया। आपको भी जानकर यह हैरानी होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और जन्मदिन का केक ही उस लड़की के लिए जानलेवा कैसे साबित हो गया। दरअसल पंजाब के पटियाला शहर की रहने वाली 10 साल की लड़की मानवी का जन्मदिन था। मानवी पढ़ने में होशियार थी। 5वीं क्लास में उसने अच्छे अंक हासिल किए थे और वह अपनी क्लास की मॉनिटर थी। मानवी उस दिन सुबह से ही खुश थी और उसने अपने घर में कह दिया था कि उसे चॉकलेट वाला केक ही चाहिए, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जन्मदिन की खुशियां एक अनचाहे गम में बदल जाएंगी। मानवी ने अपनी पसंद के कपड़े पहने थे। मानवी के साथ उसकी 8 साल की छोटी बहन भी खुश होती है कि आज बड़ी बहन का जन्मदिन है। शाम के करीब 6 बजे मानवी के पिता ऑनलाइन एक केक ऑर्डर करते हैं। 6:30 बजे डिलीवरी बॉय केक उनके यहाँ लेकर पहुंच जाता है और करीब 7:15 बजे घर की मेज पर मानवी अपने जन्मदिन का केक काटती है। इस दौरान वीडियो भी बनाया जाता है। परिवार के लोग बड़े प्यार से मानवी को केक खिलाते हैं और खुद भी उस केक को खाते हैं। मानवी बहुत खुश नजर आती है, लेकिन कुछ देर बाद ही मानवी और परिवार के अन्य सदस्यों को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उनके सिर घूमने लगते हैं, आंखों से पानी आने लगता है और फिर उल्टियां होने लगती हैं। उपचार लिया जाता है, लेकिन मानवी दुर्भाग्य से इस दुनिया को अलविदा कर जाती है। जन्मदिन का केक खाने से ऐसा हुआ, यह खबर हर किसी को हैरान करती है। परिवार के अन्य सदस्यों की किसी तरह जान बच गई। मानवी का जाना उनके लिए बड़े सदमे की बात थी, क्योंकि जो लड़की अपने जन्मदिन पर इतना ज्यादा खुश थी, किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा भी हो जाएगा। उसके परिवार की आंखों में अब केवल दर्द और उदासी बसी हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक जन्मदिन केक ने उनकी खुशहाल जिंदगी को इतना बदल दिया। उनके पास जोमेटो का वह बिल भी है जो कि केक के साथ आया था। मानवी के परिवार के लोग यह बताते हैं कि केक देखने में सुंदर था, लेकिन उसके अंदर क्या था, वह कितने दिन पहले बनाया गया था, उसमें क्या कुछ मिलाया गया था और किस तरह उसे बनाया गया था, इस बारे में वह कुछ नहीं जानते। जाहिर है आम ग्राहक तो इस बारे में जानकारी भी नहीं रखता, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से जिस विभाग की यह जिम्मेदारी है वह आंखें बंद करके सो जाता है। सभी जानते हैं कि खाद्य विभाग की कार्रवाई ऊंट के मुँह में जीरे की तरह होती है। खाने के नाम पर लोगों को क्या कुछ परोसा जा रहा है, कैसे परोसा जा रहा है, इसकी निगरानी कौन करेगा? जो नियम बनाए गए हैं क्या उनका पालन हो रहा है, यह कौन देखेगा? क्या लापरवाह सरकारी कारिंदों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मानवी के परिवार को जो दर्द मिला है क्या उसकी भरपाई की जा सकेगी? यह सामान्य बात नहीं है। जिम्मेदारियों को ठीक से ना निभाने के चक्कर में एक लड़की की जान चली गई। मानवी के परिवार के लोग उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे वाले वीडियो को जब जब देखेंगे तब तब उनकी आंखों में आंसू होंगे। वैसे उस बेकरी मालिक के विरुद्ध, यानी जहां से केक को मंगाया गया था, बिल के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में केक के टुकड़े को जब्त करके FSL जांच के लिए भी भेजा गया है, ताकि वास्तविक कारणों का पता चल सके कि केक के अंदर क्या था। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।